अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 टॉपिक नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव लर्नड दैट प्लांट्स अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल व्हिच आर देन यूटिलाइज्ड इन लीव्स टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, कह रहा है आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स से वो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं साइल में से और फिर उनको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं लीव्स में, क्या बनाने के लिए? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए थ्रू फोटोसिंथेसिस। दीज ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आर आल्सो टू बी मूव्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। उसके बाद कह रहा है बच्चों, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स बनेंगे उनको भी तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी में मूव कराना होता है, ठीक है, भेजना होता है। When organic solutes are utilized in plant body, some waste compounds are also produced, which are then removed out of plant body. कह रहा है जब ये organic solutes जब हम utilize कर लेते हैं plant body, तो जो waste compounds बनते हैं वो भी तो हमने remove करने होते हैं plant body में से। All these movements of materials are generally referred to as transport in plants. कह रहा है जितनी भी material की movements हो रही हैं, ये generally हम इनको क्या कहते हैं, ये क्या हो रही है, transport in plant। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास टॉपिक है नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। की ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है? इन अ प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट अकर्स एट थ्री डिफरेंट लेवल्स। कह रहा है बच्चों, प्लांट बॉडी पे ट्रांसपोर्ट जो हो रही होती है वो थ्री लेवल्स पे हो रही होती है। एट फर्स्ट लेवल द मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द प्लांट बॉडी बिकॉज प्लांट नीड्स मिनरल nutrients and water to maintain its live activities which are to be absorbed from soil. However, gases like CO2 and O2 are obtained from air. कह रहे बच्चों, फर्स्ट लेवल पे जो मटेरियल होते हैं उनको आउटसाइड से यानी बाहर से इनसाइड द प्लांट बॉडी के इनसाइड मूव कराना होता है। जो जैसे कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए अपनी लाइफ एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, तो वो अब्सॉर्ब करेगा साइल से, तो वो आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो रही है, एक ट्रांसपोर्ट हो रही है। हाउएवर गैसेस लाइक CO2 एंड O2 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर। उसके अलावा जो CO2 और O2 गैसेस है वो ऑब्टेन्ड करता है एयर से, एटमोसफेयर से। ठीक है, एट सेकेंड लेवल मटीरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स so that they can be used to prepare organic solutes by photosynthetic activity. कह रहा बच्चों, second level पे जो materials हैं वो within the plant body यानी plant body के अंदर जो transport होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि जो inorganic nutrients absorb किए हैं plants ने soil से, तो वो roots में, अब उनको ट्रांसपोर्ट करने कहां तक, लीव्स तक मूव कराना है ताकि वो वहां पे यूज कर सकें और हम ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स बना सकें थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि बच्चों जो फोटोसिंथेसिस है वो तो लीव्स में होती है। दीज ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आर आल्सो टू बी मूव्ड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी सो दे कैन बी यूज्ड इन प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या फूड बनेगी उसको भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी में मूव कराना है। अगर वो लीव्स में बढ़ रहा था और उसको पूरी प्लांट बॉडी में भेजना होता है, रूट्स में, स्टेम में, ताकि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो प्लांट बॉडी है वो उसको यूज कर सके ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में। एट थर्ड लेवल द मटेरियल्स आर मूव्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द प्लांट बॉडी। और कह रहा है थर्ड लेवल पे जो मटीरियल इनसाइड होते हैं प्लांट बॉडी के उनको हमने आउटसाइड प्लांट बॉडी मूव कराना था। बिकॉज व्हेन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आर यूटिलाइज्ड इन प्लांट बॉडी सम वेस्ट कंपाउंड आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड विच आर then removed out of plant body। कह रहा है क्योंकि जब ऑर्गेनिक सॉल्यूट जब यूज होगी प्लांट बॉडी में तो कुछ उसके साथ वेस्ट कंपाउंड्स भी बनेंगे जिनको हमने प्लांट बॉडी से रिमूव करना होता है। दीज आर द रीजंस व्हाई ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स एट थ्री डिफरेंट लेवल्स। कह रहे हैं तीन रीजंस की वजह से जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में वो थ्री लेवल्स पे होती है। एक क्या होता है कि आउटसाइड टू इनसाइड हो रही है मूवमेंट, एक क्या होता है विद इन द प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट हो रही है, और एक आउट इनसाइड टू आउटसाइड हो रही है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स के, रूट और रूट हेयर्स का स्ट्रक्चर कैसा है। रूट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच हैज सर्व एज द ऑर्गन ऑफ अपटेक
ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। कह रहे बच्चों रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का जो सर्व करता है एज ऑर्गन ऑफ अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर, के जो ऑर्गन है न्यूट्रिएंट्स और वाटर अपटेक का। इट पोजेसेस लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम एंड रूट हेयर्स विच मेक देम फेवरेबल फॉर ऑर्गन ऑफ अपटेक। कह रहा है इसके पास सरफेस एरिया लार्ज होता है, किस वजह से? क्योंकि इसका जो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम है, इसकी ब्रांचेज होती है बहुत सारी, और रूट हेयर्स की वजह से जो इसको एक फेवरेबल ऑर्गन ऑफ अपटेक बनाते हैं। डाइकॉट प्लांट्स हैव टैप रूट विच कंसिस्ट ऑफ अ थिक प्राइमरी रूट दैट बियर्स सेवरल सेकेंडरी रूट्स। बच्चों कह रहा है जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, आपने पढ़ा था कि प्लांट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट विच हैव वन कॉटिलीडन एंड डाइकॉट प्लांट्स आर दोज विच हैव टू कॉटिलीडन। तो यहाँ पे वो डाइकॉट प्लांट्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि उनके पास जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक रूट्स की टाइप भी आ गई, टैप रूट। अब नेक्स्ट देख, ठीक है, कह रहा है उनके पास टैप रूट होती है जिसके पास एक पहले थिक प्राइमरी रूट होती है, उसके पास जिसके ऊपर सेवरल सेकेंडरी रूट्स होती हैं। ईच सेकेंडरी रूट फर्दर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्शियरी रूट्स, और हर सेकेंडरी रूट के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्शियरी रूट्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड मोनोकॉट प्लांट्स हैव फाइबरस एडवेंटिशियस रूट्स। जो आपके जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके पास टैप रूट के बजाय फाइबरस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं दैट शो नो डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स की जो डिफरेंशिएशन है वो शो नहीं करती। ये आप देख सकते हैं साइड पे फिगर 8.2 में, टैप रूट इन डाइकॉट प्लांट्स में वो लेफ्ट साइड पे है और फाइबरस एडवेंटिशियस रूट्स इन मोनोकॉट प्लांट्स राइट। अगर आप देखें लेफ्ट वाली तो उसमें आपको ब्रांचेस नजर आ रही है, एक मेन प्राइमरी रूट है उसके ऊपर सेकेंडरी ब्रांच है, उसके ऊपर जो है टर्शियरी ब्रांचेज है, जबकि जो राइट साइड पे है उसमें आपको कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये फाइबरस एडवेंटिशियस रूट है और वो टैप रूट है लेफ्ट पे। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है रूट का और रूट हेयर्स का? इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अच्छा, ये मिस्टेक है, ये मोनोकॉट होगा। ठीक है, कह रहा है दोनों जो मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स होती हैं दोनों में जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। मैनी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस हैव एक्सटेंशन दैट आर पेनिट्रेटेड द स्पेसेस अमंग सेल पार्टिकल्स। कह रहा है कि एपिडर्मिस की बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं जो सेल पार्टिकल्स में क्या कर रही होती हैं, पेनिट्रेट कर रही होती हैं। दीज एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स। कह रहा है ये जो एपिडर्मल सेल्स की जो एक्सटेंशंस हैं उनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। विच इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 67% सरफेस एरिया ऑफ रूट, जो कि रूट का क्या करते हैं 67% सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। इनर टू द एपिडर्मिस इज अ ग्राउंड टिश्यू द कॉर्टेक्स। कह रहा है एपिडर्मिस से अंदर एक ग्राउंड टिश्यू होता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कह रहा है जो कॉर्टेक्स की इनर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। द एंडोडर्मल सेल्स हैव डेपोजिशन ऑफ अ वैक्स द सबरिन इन देयर रेडियल वॉल्स। कह रहा है जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उसके उनके पास एक डेपोजिशन होती है वैक्स की जिसको हम सबरिन कहते हैं। दीज डेपोजिशंस आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये जो डेपोजिशन है ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में होती है जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। इनर टू द एंडोडर्मिस इज पेरिसाइकल विच सराउंड द इनर मोस्ट वस्कुलर बंडल। द वस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और जो वस्कुलर बंडल है उसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग इन मोनोकॉट रूट विद सेंट्रल ग्राउंड टिश्यू कॉल्ड एज पिथ। और कह रहे हैं वो जो मोनोकॉट्स में है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं जाइलम और फ्लोएम, और सेंटर में उनके एक टिश्यू होता है जिसको हम पिथ कहते हैं। वेयर एज इन डाइकॉट द वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार शेप, जबकि डाइकॉट्स में वो स्टार शेप में प्रेजेंट होते हैं विदाउट द प्रेजेंट ऑफ पिथ, और उनमें सेंटर में पिथ भी प्रेजेंट नहीं होता। या आप अगर देखें फिगर 8.3 में साइड पे तो आपको नजर आ रहा होगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट लेफ्ट एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट
राइट ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अपटेक ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि जो सॉल्ट्स और वाटर की जो अपटेक होती है वो थ्रू होती है बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्लांट रूट्स सर्व टू वाइटल फंक्शंस। कह रहा है प्लांट की जो रूट्स है वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कौन कौन से? एंकरिंग द प्लांट इन सॉइल, के जो प्लांट को सॉइल में एंकर करती हैं, होल्ड करती हैं, एंड अब्सॉर्बिंग एसेंशियल मिनरल्स एंड वाटर, और एसेंशियल मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं। टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिक्वायर थ्री की न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड लाइट। कह रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए प्लांट को तीन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड लाइट। टू ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स रूट्स डिवेलप एन एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम एंड आर कवर्ड बाय रूट हेयर्स। कह रहा है इन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए रूट्स क्या करती है, एक एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम बना लेती है और कवर्ड कर लेती है रूट्स, रूट हेयर से। दीज रूट हेयर्स आर प्राइमरी साइट्स फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये जो रूट हेयर्स है ये प्राइमरी साइट है, यानी प्राइमरी जगह है किस चीज के लिए, वाटर और मिनरल्स की अब्सॉर्प्शन के लिए। विद दीज रॉ मटेरियल्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड लाइट एनर्जी, प्लांट सिंथेसाइज ऑल द कंपाउंड्स दे रही। कह रहा है ये रॉ मटेरियल जो उसने लिए कौन कौन से, मिनरल और वाटर सॉइल से लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से और लाइट को यूज करते हुए प्लांट सिंथेसाइज यानी बना लेगा ऑल द कंपाउंड्स दे नीड। जो भी कंपाउंड उसको चाहिए वो उसको क्या कर लेगा, बना लेगा। व्हाइल मोस्ट मिनरल्स इंटर द रूट हेयर आर एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट थ्रू बल्क फ्लो विद वाटर, सम आर अब्सॉर्ब्ड थ्रू डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमने कहा ये अब्सॉर्ब तो करते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह रूट्स या प्लांट्स, ठीक है। तो कह रहा है ये अब्सॉर्ब कैसे करते हैं, कह रहा है मोस्टली जो मिनरल्स हैं वो इंटर हो जाते हैं रूट हेयर्स में या एपिडर्मल सेल में थ्रू बल्क फ्लो विद वाटर, वाटर के साथ ही आ जाते हैं। सम आर अब्सॉर्ब्ड थ्रू, कुछ डिफ्यूजन के थ्रू, कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। ये अगर आप साइड पे देखें तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ मिनरल अब्सॉर्प्शन बाय रूट, के मिनरल अब्सॉर्प्शन कैसे करता है रूट, उसका मैकेनिज्म। प्लांट्स अब्सॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम वाटर इन द सॉइल। कह रहे बच्चों जो प्लांट्स है वो मिनरल कहां से अब्सॉर्ब करता है, वाटर से जो सॉइल में होता है। व्हेन मिनरल्स आर स्टक टू सॉइल पार्टिकल्स एंड नॉट डिसॉल्वड इन वाटर प्लांट्स कैन यूज देम। कह रहे जब मिनरल्स किस में, सॉइल में स्टक हूं और वाटर में डिजॉल्व ना हो, प्लांट्स उनको यूज नहीं कर सकता। ऑनली दोज मिनरल्स कैन बी अब्सॉर्ब दैट आर डिजॉल्वड इन सॉइल वाटर। कह रहे से वही मिनरल्स प्लांट अब्सॉर्ब कर सकता है जो वाटर में क्या हो, डिजॉल्व हो। प्लांट्स टेक इन मिनरल्स थ्रू रूट सेल्स यूजिंग बोथ पैसिव एंड एक्टिव प्रोसेसेस दैट रिक्वायर एनर्जी, स्पेसिफिकली एटीपी। कह रहे हैं बच्चों प्लांट्स जो है मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है थ्रू सेल्स विच यूज बोथ पैसिव एंड एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, और एटीपी को यूज करके भी अब्सॉर्ब करता है। ये देखिए आपको फिगर 8.5 में नजर आ होगा अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट, ठीक है। न्यूट्रिएंट अपटेक इज फैसिलिटेटेड बाय लीव रूट, मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस इन्वॉल्व पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव अपटेक हैपेंस थ्रू डिफ्यूजन। कह रहा है जो पैसिव, हमने कहा ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी पैसिव से भी होता है, एक्टिव से भी जो इनटेक है वो होता है। तो कह रहा है पैसिव अपटेक होता है थ्रू डिफ्यूजन एज मिनरल्स मूव अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा टू सेल्स इन द रूट, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल बिफोर रीचिंग द जाइलम सेल्स। कह रहा है डिफ्यूजन में क्या होता है कि मिनरल्स मूव करते हैं लॉन्ग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जरिए हाई टू लो, ठीक है, और प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करके आ जाते हैं रूट की कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में और जाइलम सेल्स में पहुंच जाते हैं। दे आर देन पुल्ड अप बाय ट्रांसपायरेशन, और उसके बाद वो ट्रांसपायरेशन से पुल किए जाते हैं। सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सॉइल इनटू एपिडर्मल सेल ऑफ रूट थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कह रहा है कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट में आते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, उनको हम कहते हैं ये थ्रू आयरन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन्स विद इन द सेल मेम्ब्रेन
एक्ट एज कैरियर मॉलिक्यूल टू हेल्प मूव न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कह रहा है फैसिलिटेटेड, देखिए नाम से जाहिर है कोई चीज फैसिलिटेट कर रही है, हेल्प कर रही है डिफ्यूजन में। तो कह रहा है प्रोटीन्स जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन में वो कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करती हैं और न्यूट्रिएंट्स को मूव हेल्प करती हैं मूव करने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दीज कैरियर प्रोटीन्स आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एपिडर्मल एंड अदर रूट सेल्स। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑन द अदर हैंड रिक्वायर एनर्जी एंड अलाउज प्लांट टू टेक इन मिनरल्स इवन व्हेन देयर कंसंट्रेशन इनसाइड द रूट सेल्स इज हायर देन इन द साइल। कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी चाहिए होती है और ये प्लांट्स को अलाउ करता है कि मिनरल्स को तब भी अब्जॉर्ब कर ले या ले ले जब उनकी कंसंट्रेशन बाहर कम है और इनसाइड क्या ज्यादा है। दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एटीपी। कह रहा है ये जो नेचुरल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट है, यानी नेचुरली जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो हाई टू लो होता है। एक जब एक कंपाउंड की कंसंट्रेशन ज्यादा दूसरी जगह पे कम है तो वो हाई टू लो मूव करेगा, ठीक है, लेकिन इसमें हम लो टू हाई भी मूव कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एनर्जी। तो कह रहा है ये अगेंस्ट है यानी अपोजिट है नेचुरल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के और ये क्या यूज करता है एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव एंड रिलाइज ऑन रिस्पायरेशन। सम आयंस कैन आल्सो मूव थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्सॉर्प्शन बाय रूट। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स अकर बाय मींस ऑफ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कॉल्ड ऑस्मोसिस। कह रहे बच्चों जो वाटर की अब्सॉर्प्शन है बाय रूट्स वो अकर होती है थ्रू एक पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ पार्शियली परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर मोर कंसंट्रेटेड टू एन एरिया वेयर दे आर लेस कंसंट्रेटेड। कह रहा है ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ऑस्मोसिस, एक पार्शियली परमीएबल मेम्ब्रेन से एक एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। इफ वाटर मूव्स इनटू अ सेल थ्रू ऑस्मोसिस इट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस एंड इफ इट मूव्स आउट ऑफ सेल इट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। कह रहे अगर एक वाटर सेल के अंदर आ रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू तो हम इसको कहेंगे ये एंडोऑस्मोसिस हुई है, और अगर वो सेल से बाहर जा रहा है तो हम इसको कहेंगे ये क्या हुई है एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ फ्रूट्स द सेल वॉल अलाउज वाटर एंड मिनरल्स टू पास थ्रू फ्रीली। कह रहे एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो लो करती है वाटर को और मिनरल्स को पास कर ले फ्रीली। हाउएवर द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमीएबल, जबकि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीएबल होती है मीनिंग इट ऑनली अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉल्यूशन टू पास थ्रू, क्योंकि सेलेक्टिवली परमीएबल का मतलब है ये कुछ सब्सटेंसेस को लो करेगी कि पास कर सके मूव कर सके। वाटर इंटरिंग द एपिडर्मल सेल्स फॉलो द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूविंग थ्रू कॉर्टेक्स एंडोडर्मस पेरिसाइकल एंड फाइनली इनटू जाइलम सेल। कह रहा है जो वाटर इंटर किया एपिडर्मल सेल में वो किधर किधर जाएगा, उसके बाद वो कॉर्टेक्स में जाएगा, उसके बाद एंडोडर्मस में, पेरिसाइकल में और फाइनली जाइलम सेल्स में। नेक्स्ट आप ये साइड में देखिए आपको फिगर नजर आ रही होगी अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट, ठीक है, रूट रूट हेयर जो सेल पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बच्चों ट्रांसपायरेशन। यू हैव लर्न्ड दैट प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। दिस अब्सॉर्ब वाटर मूव्स इन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम वेयर द मोस्ट ऑफ हिज वाटर एप्रोक्सीमेटली 99% हैज बीन लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इनटू एटमॉस्फेयर। दिस लॉस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। कह रहे बच्चों आपने पढ़ा कि प्लांट्स जो है वाटर अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल में से विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स। अब कह रहे हैं ये जो वाटर अब्सॉर्ब करते हैं ये मूव करता है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, यानी एरियल जो अबव वाले पार्ट्स है, रूट्स तो अंडरग्राउंड होती है, वहां से जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स हैं जो लाइक लीव्स वगैरह स्टेम, ठीक है, उनमें मूव करता है और वहां से लीव्स में से ऑलमोस्ट जो 99% है वो लास्ट हो जाता है वेपर की फॉर्म में, वाटर लॉस हो जाता है वेपर की फॉर्म में, एटमोसफेयर में चला जाता है। ये जो लॉस ऑफ वाटर है इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो 90% दिस लॉस अकर्स थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट मेनली इन लीव्स एंड सम अदर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब कह रहा है बच्चों ये जो वाटर लॉस होता है इसका भी जो 90% है वो थ्रू स्टोमेटा में से होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा आर दी ओपनिंग्स होती हैं जो विच आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड बाकी जो कुछ अदर एरियल पार्ट्स हैं उनमें से होता है लाइक स्टेम वगैरह में से लॉस होता है, ठीक है। मेनली जो 90% है वो कहां से होता है स्टोमेटा से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, इसलिए इसका स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं।
Some other amount of absorbed water, about 7 to 9%, is lost from general body surface through cuticle and is called as cuticular perspiration. कह रहा है जो कुछ जो amount है absorbed water की about 7 to 9% वो loss होती है general body surface में से through cuticle में से loss होती है इसलिए हम उसको cuticular transpiration कहते हैं. A very little amount of water, less than 3%, is also lost through lenticels, which are scale-like regions with ruptured epidermis and loosely packed underlying cortical cells present in the stem. This is called lenticular transpiration. और कह रहा है less than 3% जो है वो loss होता है water through lenticels, इसलिए हम इसको lenticular transpiration कहते हैं. Transpiration is a vital process for the plant as it not only provides cooling to plant but also help to absorb water and dissolved minerals and to move them in upward direction to the leaf. कह रहा है बच्चों ट्रांसपायरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, जरूरी प्रोसेस है. क्यों? प्लांट के लिए कि ये सिर्फ कूलिंग प्रोवाइड नहीं करता बल्कि ये वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में और उनको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने में भी हेल्प करता है. देयरफॉर विदाउट ट्रांसपायरेशन प्लांट्स आर अनएबल टू सर्वाइव. ट्रांसपायरेशन के बगैर प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड ट्रांसपायरेशन इज जनरली रिगार्डेड एज डिसएडवांटेजियस एज इट शोज great loss of absorbed water, so an unchecked excessive transpiration can lead to wilting, loss of turgor and ultimately death of plant. लेकिन कह रहा है दूसरी तरफ ये disadvantageous भी है transpiration. क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो absorbed water है वो loss हो जाता है. So अगर unchecked excessive transpiration बहुत ज्यादा हो गई है तो उससे क्या हो जाएगी? Wilting हो जाएगी और ultimately plant की death हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन विद लीव सरफेस एरिया एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग. के ट्रांसपायरेशन का रिलेशन क्या है लीव के सरफेस एरिया के साथ और स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ. एज यू हैव लर्न्ड ट्रांसपायरेशन मेनली अकर्स टू स्टोमेटा व्हिच आर प्रेजेंट ऑन लीव सरफेस. सो प्लांट्स हैविंग लार्ज सरफेस ऑफ लीव्स हैविंग मोस्ट स्टोमेटा शो ग्रेटर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन as compared to plants having narrow and reduced surfaces of leaves having less stomata. कह रहा बच्चों आपने पढ़ा कि transpiration mainly stomata के through होती है जो leaves में present होते हैं. तो कह रहा है ऐसे plants जिनके पास large surface area वाले leaves हों, broad leaves हों, ठीक है, जिनके पास more number of stomata present हो, तो उनमें transpiration ज्यादा होगी as compared to plants जिनके पास narrow या reduced surface area वाले leaves हों, जिनके पास less stomata हो, ठीक है. Similarly, more transpiration is generally observed in daytime than night as the stomata are widely open during day and nearly closed at night. उसके अलावा कह रहा है कि ज्यादातर transpiration में daytime में नजर आती है as compared to night, क्योंकि जो stomata है वो ज्यादा open होते हैं daytime में as compared to night. Next है बच्चों हमारे पास factors affecting rate of transpiration. ऐसे factors जो rate of transpiration को affect करते हैं. The rate of transpiration is influenced by several environmental factors like temperature, wind, humidity, etc. कह रहा है transpiration जो है वो बहुत सारे factors से influenced होती है like temperature से, wind से, humidity से. The rate of transpiration can be measured by using a simple apparatus called the potometer which is shown in the diagram. कह रहा है हम transpiration का जो rate है उसको measure कर सकते हैं एक simple apparatus से जिसको हम कहते हैं potometer. Students under the guidance of their teacher should plan simple experimental activity to investigate the effect of these factors on the rate of transpiration using the photometer. Yeah, bachcho aap side pe dekhiye figure 8.7 mein aapko investigation of rate of transpiration by using photometer show hoga. Ab hum sare factors ko discuss karenge one by one jo rate of transpiration ko discuss kar rahe hain. To first factor hai hamare paas effect of temperature. On a sunny day with strong sunlight, the air temperature rises and this increase in temperature lowers the humidity in air. Correct, sunny day hai, bahut zyada dhoop hai, strong sunlight hai, to air temperature ka kya hoga, rise ho jayega, increase ho jayega aur iski wajah se humidity kya ho jayegi, air mein low ho jayegi. As a result, more water evaporates from the surface of plant mesophyll cell which leads to a higher rate of transpiration. जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा वाटर वेपरेट करेगा प्लांट की सरफेस से, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा. फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रफली डबल्स.
कह रहा है अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाता है। हाउएवर व्हेन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई अराउंड 40 to 45 डिग्री सेल्सियस इट कॉजेस दिस स्टोमेटा ऑन प्लांट लीव्स टू क्लोज। लेकिन कह रहा है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया अबाउट 40 to 45 डिग्री हो गया है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। दिस क्लोजर हेल्प द प्लांट कंजर्व इट्स मच नीडेड वाटर बिकॉज एक्सेसिव लॉस कैन बी डेट्रीमेंटल। कह रहा है इस क्लोजर की वजह से क्या होगा, प्लांट अपना जो वाटर है उसको कंजर्व कर लेगा, सेव कर लेगा, बचा लेगा, क्योंकि एक्सेसिव अगर लॉस हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा तो वो डेट्रीमेंटल है, हार्मफुल है। ठीक है, इफ दिस हाई टेम्परेचर परसिस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड एंड द सॉइल डजंट हैव इनफ वाटर द प्लांट्स मे स्टार्ट टू विल्ट एंड कुड इवेंचुअली डाई। कह रहे बच्चों ये जो हाई टेम्परेचर अगर ये परसिस्ट कंटिन्यूस रहे काफी एक्सटेंडेड पीरियड काफी ज्यादा टाइम के लिए और सॉइल में इनफ वाटर ना रहे तो स्टार्ट प्लांट क्या हो जाएगा, विल्ट यानी मुरझाना स्टार्ट कर देगा एंड कुड इवेंचुअली डाई और डाई भी कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ विंड, टेम्परेचर के बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ विंड आ जाएगा। विंड इज मूविंग एयर, विंड कहता है मूविंग एयर को हम कहते हैं, ठीक है, जो एयर मूव कर रही हो एंड इट स्पीड्स अप द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और ये क्या करता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन है उसको स्पीड अप कर देता है। दिस लीड्स टू अ हायर रेट ऑफ वेपोरेशन, जिसकी वजह से रेट ऑफ वेपोरेशन क्या आ जाता है, हायर हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स। इन कंट्रास्ट व्हेन द एयर इज कॉम एंड स्टिल, कह रहा है उसकी बरक्स जब एयर कॉम हो स्टिल हो रुकी हुई हो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाती है रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी हम कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर के कितने वाटर वेपर की परसेंटेज है एयर में। इन ड्राई एयर लो ह्यूमिडिटी वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज मोर रैपिडली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल्स। कह रहा है जब लो ह्यूमिडिटी हो यानी ड्राई एयर हो तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल एंड थ्रू स्टोमेटा टू आउटसाइड। दिस रिजल्ट्स इन मोर वाटर लॉस विच इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कन्वर्सली यानी अपोजिटली इन ह्यूमिड एयर में क्या होता है कि डिफ्यूजन रेट स्लो डाउन हो जाता है लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली कैन यू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक सनलाइट CO2 कंसंट्रेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर ऑन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट विद इन प्लांट ऑफ बॉडी। अच्छा कह रहा कि जो वाटर और सॉल्ट्स है उनकी विद इन प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट कैसे होती है, इसको हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। ठीक है, रूट एपिडर्मल सेल्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। कह रहा है रूट के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो वाटर और सॉइल मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल में से। दीज सब्सटेंसेस आर देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू द लीव, उसके बाद ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूट से लीव्स तक। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम टिश्यू इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। कह रहा है ये जो वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट है अपवर्ड थ्रू जाइलम इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। दिस प्रोसेस रिक्वायर अ पैसेज एंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स बिकॉज इट अकर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्पेशली टॉल प्लांट्स। कह रहा है इसको जो प्रोसेस को इसको एक पैसेज या वे चाहिए और इसको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स भी चाहिए क्योंकि ये अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी जो हर चीज को नीचे खींचती है और इन्होंने अपवर्ड मूव करना है। ठीक है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है तो इसको फोर्स चाहिए ताकि ये ऊपर जा सके। इट इज नाउ क्वाइट एविडेंट दैट पैसेज ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज इन द जाइलम एंड द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप इज कॉल्ड टैक्ट थ्योरी। कह रहे बच्चों ये एविडेंट है कि ये जो एसेंट ऑफ सैप है ये होता है जाइलम टिश्यू के थ्रू और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करती है कि इसके पीछे एक फोर्स होती है वो है टैक्ट थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पैसेज ऑफ एसेंट ऑफ सैप कि कौन सा एसेंट ऑफ सैप के लिए कौन सा पैसेज है। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट इशू विच एक्ट एज पैसेज फॉर एसेंट ऑफ सैप। कह रहे बच्चों जाइलम एक कॉम्प्लेक्स और परमानेंट इशू है जो एक्ट करता है पैसेज फॉर एसेंट ऑफ सैप। टू टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स ट्रैकीड्स एंड वेसल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैकीड्स आर लॉन्ग डेड सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स एंड जाइलम वेसल्स आर लॉन्ग डेड एंड थिक वॉल्ड। कह रहे बच्चों
टू टाइप ऑफ जाइलम सेल्स होते हैं हमारे पास, ट्रैकीड और वेजल्स। ट्रैकीड्स कह रहे हैं लॉन्ग होते हैं, डेड सेल्स हैं विद पॉइंटेड हेड्स, एंड जाइलम सेल वेजल्स आर लॉन्ग। जो वेजल्स होती है वो लॉन्ग डेड और थिक वॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेजल सेल्स। वेजल एलिमेंट्स प्लेस्ड एंड टू एंड बोथ आर एसेंशियल फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट एज वेल एज स्ट्रक्चर सपोर्ट। कह रहे हैं ये दोनों सेल्स हैं, ये दोनों एसेंशियल इंपॉर्टेंट है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए भी। नेक्स्ट है हमारे पास टैक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द टैक थ्योरी द फोर फैक्टर्स वर्किंग टूगेदर टू मेक अ फोर्स दैट मूव वाटर एंड मिनरल अप प्लांट। अकॉर्डिंग टू कैट थ्योरी के चार फैक्टर्स होते हैं जो गठे काम कर रहे थे एक फोर्स बनाने के लिए ताकि वाटर को मूव और मिनरल्स को अप मूव कर सके। दीज फैक्टर्स आर ट्रांसपायरेशन पुल, एडहेशन कोहेशन एंड टेंशन फॉर्मिंग द एक्रोनिम टैक। कह रहा है ये जो चार फैक्टर्स है वो कौन कौन से, एक ट्रांसपायरेशन पुल है, एक एडहेशन है, एक कोहेशन है और एक टेंशन है, और इसलिए ये चारों मिलकर क्या बना देते हैं टैक। टी फॉर ट्रांसपायरेशन पुल, ए फॉर एडहेशन, सी फॉर कोहेशन एंड टी फॉर टेंशन। ठीक है, ये आप साइड में देखिए फिगर में, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन आपको दिखा रहा है, कोहेशन एडहेशन दिखा रहा है और लास्ट वाले में वाटर अपटेक फ्रॉम सॉइल। ओके, अब हम देखेंगे ये जो चार फैक्टर्स पढ़े हमने टैक्ट के, ट्रांसपायरेशन एडहेशन कोहेशन एंड टेंशन, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपायरेशन पुल। When stomata, tiny openings on leaves are open, water evaporates from leaf into air, creating a pulling force known as transpiration. कह रहा है जब leaves के अंदर जो small openings होती हैं जिनको हम stomata कहते हैं वो open होते हैं तो water evaporate यानी vapor की form में निकल जाता है leaves से air में और एक force बना देता है जिसको हम transpiration कहते हैं। This pull makes water move from roots to the leaves through xylem tissue. ये pull क्या करता है, water को move कराता है roots से leaves तक through the xylem tissue. नेक्स्ट आ जाता है एडहेशन। एडहेशन इज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर सब्सटेंसेस। कह रहा है एडहेशन अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स और बाकी सब्सटेंसेस के बीच में। वाटर इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द वॉल ऑफ जाइलम बिकॉज बोथ वाटर एंड सेलुलोज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। कह रहे जो वाटर है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है जो जाइलम की वॉल्स है, क्यों, क्योंकि जो वाटर और जाइलम की वॉल्स सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, कह रहे हैं वो दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। This adhesion helps water move upward in the plants against gravity. कह रहा है ये जो adhesion है ये water को help करती है upward move करने में against the gravity. It also keeps water in xylem when transpiration is not happening. उसके अलावा कह रहा है ये water को xylem में रखती है जब transpiration नहीं हो रही थी। Next आ जाता है हमारे पास cohesion and tension. Cohesion is the attraction between nearby water molecules, which is possible because water is a polar molecule. कह रहा है बच्चों कोहेशन क्या होती है, अट्रैक्शन होती है बिटवीन नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये इस वजह से होती है क्योंकि वाटर एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब होता है बच्चों इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं या चार्जेस हैं तो इसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को। टेंशन रेफर्स टू द टेंशन क्रिएटेड इन द वाटर कॉलम। दीज फोर्सेज हेल्प होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ कंटीन्यूअस कॉलम विद द जाइलम। कह रहा है ये कोहेशन और टेंशन फोर्सेज है ये वाटर को होल्ड करती है इन द जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाउ टैक्ट फोर्सेस वर्क। टैक्ट फोर्स कैसे काम करती है, इमेजिन द कॉलम ऑफ वाटर इन द जाइलम एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्टील वायर। कह रहा है आप इमेजिन करें जो वाटर का कॉलम है जाइलम के अंदर वो एज स्ट्रॉन्ग है जैसे एक स्टील की वायर होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट कोहेशन होल्डिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर लाइक अ स्ट्रिंग। कह रहा जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोहेशन क्रिएट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखते हैं लाइक अ स्ट्रिंग। ठीक है, As long as transpiration continues, water evaporating from leaves, the string of water remains tense and is pulled upward as a single unit. This bulk flow of water to the top of plant is driven by solar energy as its evaporation from leaves causes the transpiration pull. Next aa jata hai bachcho hamare paas transport of organic solute within plant body. Acha jo organic solute yani jo food bhi hote hai uski transport kaise hoti hai within the body. The transport of prepared food organic solute to different part of plant through phloem tissue is translocation. कह रहा है prepared food जो organic solute इसकी जो transport होती है different parts of plant को इसको हम कहते हैं translocation. Passage of translocation, translocation का passage क्या है, अब it is evident
that translocation occurs through phloem, which are complex and permanent plant tissue. Okay, बच्चो, कह रहा है जैसे हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपायरेशन है वो थ्रू जाइलम होती है, तो कह रहा है ट्रांसलोकेशन थ्रू होती है, एविडेंट यानी ये प्रूव है कि जो ट्रांसलोकेशन है ये थ्रू फ्लोएम होती है. सीफ टू एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम. कह रहा है बच्चों जो सीफ ट्यूब एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल हैं, ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के. सीफ ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट लाइक सुक्रोज थ्रू आउट प्लांट. कह रहे हैं बच्चों सीव ट्यूब्स है, ये लॉग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू प्लांट. सीव सिंस सीव ट्यूब एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियाई, कंपेनियन सेल्स नेक्स्ट टू देम कंट्रोल देयर फंक्शंस. कह रहे हैं बच्चों जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं इनमें न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस नहीं होता, तो कंपेनियन सेल्स जो इनके नेक्स्ट होते हैं वो इनका फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. टुगेदर सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स act as conducting channels for moving organic solutes. कह रहा है बच्चों sieve elements और companion cells इकट्ठे मिलके एक conducting channel के तौर पे काम करते हैं, किस लिए? organic solutes को move करने के लिए. direction of translocation, अब कह रहा है translocation की passage तो बच्चा लगा direction क्या है. this movement is not just up or down, it goes in various direction. कह रहा है ये जो movement है ये up or down नहीं है, just ये बहुत सारी direction में जाती है. We usually say that translocation goes from source to sink. हम कहते हैं कि जो translocation होती है ये source से sink में होती है. A source supplies food like leaves making food and sink uses food like roots as storage organ. कह रहा है source क्या होता है जो food supply करता है like leaves होते हैं जो food बनाते हैं, और sink होता है जो food को use करता है like roots as storage organ. Leaves and are sources, fruits are sinks and stems and roots can act as both. Composition of translocating fluid phloem sap. Phloem sap contain about 10 to 25% dry matter. Most of this dry matter is sucrose, a kind of sugar with some other organic compounds. कह रहे हैं बच्चों phloem sap का 10 to 25% dry matter होता है, और इस dry matter में sucrose होता है, sugar होती है और कुछ other organic compounds होते हैं. Next हमारे पास mechanism of translocation pressure flow or mass flow theory. ये ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें हमारे पास प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो थ्योरी आ जाती है, जैसे उसमें टैक थ्योरी आई थी. ठीक है, द मोस्ट एक्सेप्टेड आइडिया फॉर हाउ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मूव इन प्लांट्स इज प्रेशर फ्लो और मैस फ्लो थ्योरी. कह रहा है जो सबसे एक्सेप्टेड आइडिया है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की मूवमेंट का वो हमारे पास प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो थ्योरी है. हियर हाउ इट वर्क्स, शुगर प्रोड्यूस्ड इन सोर्स रीजन लाइक लीव्स और स्टोरेज एरियाज आर लोडेड इनटू फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स बाय कंपेनियन सेल्स. कह रहे जो शुगर प्रोड्यूस्ड हो रही है सोर्स रीजन में लाइक लीव्स में या स्टोरेज एरिया में, वो लोड हो जाती है फ्लोएम के सीव ट्यूब एलिमेंट्स में बाय कंपेनियन सेल. दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट रेजेस द शुगर कंसेंट्रेशन एंड रिड्यूस द वाटर कंसेंट्रेशन इन फ्लोएम, दिस मेक्स द फ्लोएम सेल्स मोर स्वीट. कह रहे इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से शुगर की कंसेंट्रेशन और राइज हो जाती है, और वाटर की कंसेंट्रेशन कहते हैं कि रिड्यूस यानी कम हो जाती है फ्लोएम में. वाटर मूव्स इनटू फ्लोएम थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय जाइलम सेल्स. जब कम हो गया तो वाटर मूव करेगा हाई टू लो थ्रू ऑस्मोसिस, वाटर कह रहे हैं ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाएगा नियर बाय सेल्स से फ्लोएम में. इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम वाटर इन द फ्लोएम सेल्स, दिस प्रेशर पुशेस द शुगरी सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द सोर्स यूजुअली लीव. The pressure difference from high pressure source to low pressure sink causes translocation. कह रहे हैं जो pressure difference होता है कि source में high होता है और sink में low, इसकी वजह से translocation होती है. It's like water being pushed through a hose. When the solution reaches a sink, like the root cells actively absorb the organic solute, this makes the phloem sap less sweet. कह रहे हैं जब solution sink में पहुंचता है like roots में, तो रूट सेल्स जल्दी से organic solute को absorb कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो phloem sap less sweet हो जाता है. The loss of solutes in the phloem sap increases solute potential and water potential, causing water to flow back into the xylem tubes. कह रहा है loss of solute हो जाता है, तो जिसकी वजह से water potential increase हो जाएगा. Water potential increase हो गया तो पीछे loss less हो गया, तो cause water flow क्या back कर जाएगा into xylem tubes. So it's like a system of moving food and water around the plant driven by different in pressure and need of different plant parts. कह रहा है ये system है moving का food और water को about around the plant जो drive कर रहा था difference in pressure की वजह से and the need of different plant parts की need के ऊपर.
सो स्टूडेंट जी, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।